है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो पीएम बनने का सपना देखना चाहते हैं तो देखें, लेकिन अब वो हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, हिंदू नेताओं को पकड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, रामनवमी पर बिहार में और बंगाल में जो हुआ है उसके बाद आज गृह मंत्रालय ने आज हनुमान जयंती पर राज्यों को दिशा निर्देश भी दिए, किस तरह से देखते हैं? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने गड़बड़ी की आपके। नीतीश कुमार जी मेरे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कारण, लेकिन जो व्यवहार कर रहे हैं तुष्टिकरण का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर बने या बने ना भाई, ख्वाब देखे ना आप, नालंदा जल रहा, ससुराम जल रहा, आप नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं और बधाई ले रहे हैं कि हजूर देखिए पीछे क्या है, और हाँ लाल किला, और अब कह रहे हैं एक एक घर मेरे नज़र में है। दुख इस बात का है कि नीतीश बाबू आपका जिला था, एक एक घर पहले से क्यों नहीं चिन्हित किया? उपद्रवी कोई उपद्रव ना करे। जो उपद्रव के बाद हिंदुओं को फंसा रहे हैं, बजरंग दल के नेताओं को फंसा रहे हैं, हिंदू संगठन को फंसा रहे हैं, और उपद्रवी को छोड़े। आज हनुमान जयंती है, लगता है कि इस तरह आप जिम्मेदारी से व्यवहार करेंगी राज्य सरकार? देखिए करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि देश 75 साल हो गए, हम इसी दिन के लिए आज़ाद हुए थे। क्या हम पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं जो हमें परमिशन लेना पड़ रहा है बंगाल में, बिहार में? हमारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुओं के लिए क्या हो? सर, एक तरफ प्रधानमंत्री ने आप लोगों को आज जीत का मंत्र दिया है, लेकिन आज सारी अपोजिशन पार्टियां संसद से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक प्रोटेस्ट मार्च किया और सरकार पर हमला बोला कि उनकी मांगे नहीं आप लोगों ने मानी, संसद में काम करेंगे। क्या मांगे? जेपीसी क्या? काहे को जेपीसी? काहे को जे काहे को जेपीसी काहे को अदानी? जो आरोप लगाया था एक बाहर की कंपनी के रिपोर्ट पर, बैंकों ने उसका जवाब दे दिया, LIC ने जवाब दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं। बहुत धन्यवाद।